हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ राहुल, बायोप्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और लास्ट वीडियो जैसे मैंने अपलोड किया था कि बगैर एक्सेलेटर की कार को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और बगैर एक्सेलेटर की कार को कैसे मूव कर सकते हैं, तो अभी हम लोग बात करेंगे सिंगल रूट के बारे में कि अक्सर सिंगल रूट पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, सामने से आने वाली गाड़ियों से हमें कैसे बचना है और रेड लाइट पे कार रोकने से पहले हमें किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, सामने वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, कितनी दूरी बना के रखना है और ये चीज़ हमें कैसे ऑब्जर्व करनी है कि हमारी गाड़ी से और सामने वाली गाड़ी की दूरी कितनी है, ये दो तीन चीज़ों पर हमें काफ़ी ध्यान देना है। और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? सिराज अहमद। कितने डेज हो चुके हैं फाइनली? 14 डेज आज इनको हो चुके हैं और कॉन्फिडेंस के साथ चला रहे हैं। अभी कोई दिक्कत आई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 10 मिनट पहले मैंने क्या किया था आपके साथ? गाड़ी छोड़ दी थी, हम अकेले चलाएं। गाड़ी मैंने इनको दे दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, कार मैंने इनको दे दिया था, किसी कारण मुझे कुछ काम था। तो आप लोग कहाँ कहाँ लेके गए इसको? जानकीपुरा स्टेडियम के। कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे कार दे देता हूँ, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर वाला अकेले गाड़ी नहीं देता है। और मैंने अपने स्टूडेंट और इनको नहीं, काफ़ी सारे मैं स्टूडेंट को कार दे देता हूँ जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, क्योंकि अकेले चलाने से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो फ्रेंड्स, अगर अब आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन दबाए के बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सकें। तो हम लोग सिंगल रूट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इसी बारे में बात करेंगे। ये रूट देख रहे हैं आप, ये है विकास नगर वाला, के पैलेस वाला रूट, और काफ़ी क्राउड है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है 1-2 दिन बाद, तो वैसे सारी पब्लिक रोड पे निकली हुई है, तो इसलिए क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो ट्रैफिक में कार को हमें कैसे मेंटेन करना है, कैसे सामने वाली गाड़ियों को ध्यान में रखना है और कितनी दूरी बना के रखना है, और सामने वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, और राइट साइड से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उनको कैसे ऑब्जर्व करना है कि हमारी गाड़ी टकराए ना सामने सीवर है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और कार को ड्राइव करना है। तो जब भी हम किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करते हैं, और जो डिस्टेंस है वो हम साइड मिनर से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो हमारा राइट में साइड मिनर लगा, इससे हम साइड्स का अंदाज़ा ले सकते हैं राइट साइड का, कि हमारी गाड़ी से और साथ में जो गाड़ी चल रही है उसकी दूरी क्या है, और लेफ्ट साइड का हम डिवाइडर से जजमेंट ले सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं रोड से कम से कम 3 फीट अंदर गाड़ी है, गाड़ी से लेफ्ट में 3 फीट, पीछे एक कार आ रही है, आप देख सकते हैं कि 1 फीट वो गाड़ी निकली हुई है हमारी गाड़ी से, अभी वो अंदर आ चुकी है क्योंकि वो राइट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से आप जजमेंट ले सकते हैं साइड मिनर से, जैसे देख रहे हैं साइड में बाइक वाला आ रहा है, तो जब आप साइड मिनर को देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आगे से लेफ्ट चलना है, बहुत सारी चीज़ें। अभी देखिएगा एक वैगनार आ रही है जस्ट हमारी गाड़ी से थोड़ा सा बाहर निकली हुई लेफ्ट साइड में, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ लोग अक्सर गलती करते हैं कि साइड मिरर का यूज़ नहीं करते हैं, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि आप लुकिंग ग्लास से तो बैक साइड का अंदाज़ा ले सकते हैं, लेकिन जस्ट बगल में अगर आपके कोई चल रहा है, अचानक आपने गाड़ी मोड़ दी और आपके बगल में कोई था, वो लुकिंग ग्लास में नहीं दिखता इस वाले ग्लास में, ठीक है। तो उसके लिए आपको राइट साइड के साइड मिरर और लेफ्ट साइड के साइड मिरर का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और गाड़ी जब भी हम ट्रैफिक में चलाते हैं तो हमारा जो ये बोनट है, ये बोनट आप देख रहे हैं बोनट, और सामने वाली गाड़ी जो है, अगर वो गाड़ी रुकी हुई है और हम उसको रोक रहे हैं, तो जब उसके उसके जो बैक साइड का बम्पर होता है जिस पे नेम प्लेट लगी होती है, नंबर प्लेट, उसका अगर नंबर प्लेट दिखनी बंद हो जाए, बस आप समझ लीजिए कि अब आपकी गाड़ी आगे नहीं जानी है, बस उतने में आपको रोक लेना, उसके आगे नहीं जाना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है ताकि आपकी गाड़ी टकराए ना। अगर उसकी नेम प्लेट दिखनी बंद हो गई तो इसका मतलब आपकी और उसकी गाड़ी में 1 से 1.5 फीट का गैप है, तो उतना गैप हमेशा मेंटेन करके रखना है। हॉर्न दीजिए। अब लेफ्ट साइड में देखिए, जैसे बच्चे जा रहे हैं, और ये क्या करना है, ये आपको लेफ्ट जो ये देख रहे हैं स्टिक लगी हुई है, तो ये थोड़ा दूर से आपको इसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है ताकि आपकी गाड़ी कभी लेफ्ट से ना टकराए।
ये दो तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। आप जैसे ई रिक्शा खड़ा हुआ है, अब ई रिक्शे से और गाड़ी के बीच में 2 से 2.5 फीट का गैप था, हमेशा आपको लेफ्ट का ज़्यादा जजमेंट लेना है, राइट का नहीं, क्योंकि राइट में तो आप ऑलरेडी बैठे हो। इनोवा खड़ी थी, इनोवा से और गाड़ी के बीच का 1 से 1.5 फीट का गैप था। ये चीज़ तभी आ पाएगी आपको जब आप थोड़ा सा दूर से गाड़ी से 50 से 100 मीटर दूर का जजमेंट करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। अभी जैसे बाइकर्स जा रहा है, देखो सामने बाइक जा रही है, अब वो किस धुन में कुछ नहीं पता, तो वो हमारी ड्यूटी है उसको अलर्ट करना, ताकि उसको ये पता चल जाए कि उसके बगल से कोई कार निकल रही है, उसको कोई ओवरटेक कर रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। किसी को भी आप अगर ओवरटेक करो तो उसको हॉर्न मार के अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा ध्यान रखना, ताकि सामने वाले को ये पता चल जाए कि ये गाड़ी ओवरटेक कर रही। कुछ लोग हॉर्न नहीं देते, अचानक निकाल लेते, वहाँ पे क्या है कि जो भी सामने चल रहा है उसको अंदाज़ा नहीं लग पाता, स्लो, एकदम स्लो। अब देखिए जैसे आंटी से सट के निकल रही है गाड़ी, देखा आपने, एकदम सट के निकली है, मुश्किल से 6 इंच की जगह होगी, राइट ले लो। तो ये चीज़ें बहुत दूर से रोकना पड़ेगा। अब पहले गियर में कर लो, हाँ जाने दो। अब देखो अगर गाड़ी रोकते नहीं तो ये सामने सेंटरों में टकरा जाती, क्योंकि स्पेसेस नहीं था, तो यहाँ पे रोकना ज़रूरी था, क्योंकि सामने से बड़ी गाड़ी आ गई थी, इस वजह से रोकना बहुत ज़रूरी था। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जोश में होश नहीं खोना है, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी, नुकसान दोनों का होना है। तो सेफ़ ड्राइविंग करें, सोच समझ के चलाएं, ये हमेशा ध्यान रखें। अभी आपको मैं बताऊंगा कि चौराहे पे गाड़ी कैसे क्रॉस करी जाती है, चौराहों पे किन किन चीज़ों को हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब देखो भाई साहब ने क्या करा, गाड़ी रोक दी, इन्होंने कोई सिग्नल नहीं दिया, कोई सिग्नल ही नहीं दिया गाड़ी का कि रोकने का इंडिकेशन। तो ऐसे ऐसे महान लोग भी मिलते हैं रोड पे, क्या कर सकते हो आप, इनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। इतनी बड़ी कार ले रखी लेकिन अगर इनको सिग्नल देना बहुत कष्ट हो रहा है। हमेशा गाड़ी रोकने से पहले या टर्न करने से पहले 50 मीटर बिफोर सिग्नल देना चाहिए। ये खुर्रम नगर चौराहा है और काफ़ी यहाँ ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। तो ऐसे चौराहों पे कार को कैसे आपको कंट्रोल करना, सबसे पहले तो यहाँ पे ढलान भी है, थोड़ा सा स्लोप भी है, तो गाड़ी कर लेंगे फर्स्ट गियर में, गाड़ी आ गई फर्स्ट गियर में, और धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे हाफ क्लच पे, धीरे धीरे हाफ क्लच पे निकालो, हाँ जाने दो, राइट का सिग्नल दे दो, क्योंकि ऐसे ट्रैफिक में हाफ क्लच लेना कंपलसरी है। धीरे धीरे लेफ्ट आते रहो, गुड, धीरे धीरे हाँ, और लेफ्ट आ जाओ, हाँ पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लो। अब पहले आपको यहाँ ब्रेक नहीं छोड़ना है, पहले थोड़ा क्लच छोड़ना है फिर ब्रेक। अब जाओ रेस करो, पीछे जा रही, रेस करो, क्लच छोड़ो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। अब गाड़ी यहाँ पे थोड़ा ढलान है, पूरा क्लच दबा लो, फुल क्लच दबा लो, अब धीरे धीरे राइट काटते रहना है। सिग्नल दिया आपने राइट का, वेरी गुड, जाने दो, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे, गुड गुड, धीरे 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 छू जाएगी इस तरीके से। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गोल चक्कर घुमा रहे हो ना, तो गोल चक्कर पे अंदाज़ा नहीं लग पाता। देखो सामने रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है, जाने दीजिए, आगे से लेफ्ट लेना है। तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो जहाँ जगह नहीं होती वहाँ भी निकल के आ जाते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस अपनी गाड़ी पे ध्यान देना है, बाकी लोग गलतियाँ करेंगे करेंगे, पर हमें गलती नहीं करनी है। तो ऐसे चौराहों पे आपने देखा कैसे क्रॉस करना है, हाफ क्लच पे गाड़ी को क्रॉस करना है, और अगर गाड़ी स्टॉप हो जाती है ढलान पे, तो पहले आपको ब्रेक नहीं रिलीज़ करना है, पहले आपको क्लच रिलीज़ करना है, फिर उसके बाद ब्रेक धीरे धीरे छोड़ना है जब गाड़ी वाइब्रेट करने लगे, ताकि आपकी गाड़ी आसानी से क्रॉस कर जाए इस तरीके से। और सिंगल रोड पे चलाना बहुत ही टफ होता है, सामने वाली गाड़ियों को हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान में देना होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना होता है। अभी देखिए सामने से कितना ट्रैफिक है, लग रहा है कि कार नहीं निकल पाएगी, लेकिन ये बिफोर पहले हॉर्न देना है, स्पीड डाउन कर लो, कम कर लो स्पीड, और अब धीरे धीरे राइट दबा लो, ताकि इसमें ETOs में गाड़ी आपकी ना टकराए। ये चीज़ें आपको पहले से ध्यान देना होता है। अगर आप वहाँ गाड़ी लेके पहुँच गए उसके बाद आप करेंगे इस चीज़ से, तो फिर वो उसके लिए आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ जाएगी, अचानक काटेंगे, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। हॉर्न मारिए थोड़ा लॉन्ग, गुड, धीरे धीरे जाने दीजिए स्पीड बढ़ा के। ये मेरी स्टूडेंट थी जो ऑल्टो से जा रही थी, अभी स्पीड बढ़ा लीजिए और मेरे सेंटर पे चल के आपको स्टॉप करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखा आपने कि चौराहों को कैसे क्रॉस करना चाहिए, सिंगल रोड पे कार को कैसे चलाना चाहिए, सामने वाली गाड़ी से कैसे जजमेंट मेंटेन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई भी फ्रेंड ड्राइविंग सीख रहा है, सीखना चाहता है, तो उसको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी दिवाली।